महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के शंकर मंदिर तालाब पर और आपको बता दें कि छठ पूजा के दौरान ये शंकर मंदिर तालाब जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा और इस तालाब में जो है जो पायरी होती है, जो सीढ़ियां होती है, इसको बनाने को लेकर काफ़ी यहाँ पर घमासान मचा। मुंब्रा की राजनीति में काफ़ी उलटफेर देखने को मिला, काफ़ी यहाँ पर हंगामा हुआ और जो रिदा रशीद यहाँ पर छठ पूजा कर रही थी और जिस तरह से एनसीपी पार्टी के तरफ से भी यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे थे और वाद विवाद शुरू हुआ था इस तालाब को बनाने को लेकर। और उस दौरान ये भी कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि आने वाले मई जून में जो है इस तालाब में जो ज़रूरत है, जो सीढ़ी है, वो लोगों को बनाकर दे दिया जाएगा, इस तरह का जो है दावा किया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि बारिश शुरू होने वाली है, लेकिन बारिश का महीना भी आने वाला है और अभी तक इस तालाब को लेकर कोई काम नहीं किया गया है। और एक बार फिर रिदा रशीद उसी तालाब पर पहुंची है जहां से इस तालाब को बनाने को लेकर, सुंदरीकरण करने को लेकर यहां पर काफ़ी हंगामा हुआ, विवाद हुआ, एक दूसरे के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज की गई। क्या कहेंगे आप, आज फिर उसी तालाब पर हैं जो कुछ महीने पहले इसी तालाब को बनाने को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। सची बहुत आनंद महसूस कर रही हूँ। पहली बात तो शुक्र है मेरे अल्लाह का, शुक्र है बाबा का। इतना आनंद फील कर रही हूँ कि मैं आज 6 महीने बाद, छठ पूजा के बाद एक आध बार आई थी और मैं आज यहाँ आई, ये उम्मीद से आई थी मैं आज यहाँ पर। बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे मेरे को, जो डिमांड किया था हमने उस टाइम पे, बहुत बहनों का डिमांड था और बहुत बड़े बड़े बैनर लगे थे मेरे साथ, लड़ झगड़ के बड़े बड़े बैनर लगे थे जिसमें 50 लाख रुपया दे दिया गया था। लेकिन वो उम्मीद मेरे को कहीं दिखी नहीं, लेकिन मैं उम्मीद बनाई थी तो मैं इसलिए आज देखने आई थी कि क्या क्या काम हुआ है, इतना लड़ने के बाद क्या काम किया गया है। उस समय ऐसा कहा जा रहा था, जिस पार्टी से आपका विरोध हुआ था उस तरफ से ये कहा जा रहा था कि मई जून में जो है पैसे ले लेना और इस तालाब को पूरा बनाकर रेडी कर देना, लेकिन कहीं पर कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है आपका। देखिए, आज तक मुंब्रा में मैंने सुना है, आप लोग ने महसूस किया है, मैंने भी 5 साल से देखा है, सिर्फ कागजों पे और सिर्फ जबानी और बैनरों पे काम होता है। उसका उदाहरण तालाब है। आज देखिए, जो डॉटली में करके गई थी, जो छठ पूजा में, जो हमारी बहनें हैं उनको पूछ सकते हो, जो किया था उसका एक 19 भी नहीं हुआ है और ना ही 20 हुआ है। वो जैसा किया था वैसा ही, जो हमने यहाँ से तार कटवाए थे वो तार ऐसा है, यहाँ पर एक वोटा भी नहीं हुआ है। ये जो डांबर रास्ता का काम चल रहा था उस टाइम पे, वो खाली काम हुआ है। लेकिन तालाब को तो मैंने सुना है इसमें मछलियाँ थी, कोई पानी जाने की वजह से वो मछलियाँ भी मर गई, गंदा हो गया है तालाब, लेकिन यहाँ पर किसी ने मुड़के भी देखा नहीं। मई जून का महीना बताया जा रहा था कि काम होगा और जून चल रहा है, पानी सूख रहा कहा जा रहा था, पानी सूखेगा तभी सीढ़ी वगैरह बन पाएगी, लेकिन अभी बारिश का महीना भी आ जाएगा अगले महीने में, तो फिर ये काम क्या होगा और आपके तरफ से इस तालाब को लेकर आगे क्या काम किस तरह से किया जाएगा? मैंने जैसे बोला कि कुछ लोग ने तो खाली बोला है, जून का महीना लग गया है और जुलाई में बारिश नहीं होती, जून में बारिश होती है, तो जुलाई के आखिरी में या कभी भी बारिश होगा ये तालाब फिर से भर जाएगा। मतलब इस तालाब का काम 2 महीना 1 महीने पहले चालू होके अभी ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि सूखने को भी टाइम लगेगा उसको, जो नहीं हुआ है। और इस बार खासदार साहब पूरा यहाँ पर ध्यान लगा के हुए हैं। खासदार साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द, मैंने भी बात किया है, हमारी बाकी लोगों ने भी बात किया है, तो इंशाल्लाह ये पूरा होगा। लेकिन मैं अभी भी राह देखूंगी, वो जो बैनर पे 50 लाख लटके थे, जो 50 लाख जो बैनरों पे दिखाए गए थे छठ पूजा वाले दिन, वो कहाँ हैं, वो लगे। और जो हक की बात है, और ये भी सुना है जो कार्यकर्ता को 50 लाख देने में आया था वो कार्यकर्ता दुबई घूम रहा है, तो क्वेश्चन मार्क, वो पैसे से तो नहीं घूम रहा है, ये पूछेंगे हम आगे आने वाले छठ पूजा के प्रोग्राम में भी मैं पूछूंगी कि कहाँ गया वो पैसा, वो दुबई घूमने को तो नहीं भेजा अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन इस बार इंशाल्लाह मैं हूँ, लास्ट टाइम भी बहुत ख़राब था, बहुत सुंदर बनाने की कोशिश मैंने, मेरी बहनों ने की थी, इस बार भी कुछ कमी ना होगा ऐसा
मैं अपने आप से कही थी कि इस बार भी उम्मीद रखूंगी अपने आप से कि कुछ कमी नहीं होगी, मैं मेरी टीम और डेफिनेटली जहां तक आवाज़ जाएगी वहां तक आवाज़ देके इसको वापस से जो बहनों को चाहिए, जो नीचे एक स्टेप चाहिए, जो खड़े रहने के लिए वगैरह, वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। किस तरह के महानगर पालिका के बजट से बनाएंगे या आप अपने पैसे से बनाएंगे? आप अपने पैसे तो बना नहीं सकते क्योंकि महानगर पालिका के अधीन ये तालाब है। ऐसी भी जानकारी मिल रही कि कुछ बजट इसके बनाने के लिए, सुंदरीकरण के लिए निकला भी है? बिल्कुल, बजट निकला हुआ है, फाइल पे काम हो रहा है। अगर वो आ गया तो डेफिनेटली उसी से हम बना के लेंगे। लेकिन लास्ट टाइम आपने देखा था जब मैंने टीएमसी में लेटर दिया था तो टीएमसी ने कहा था कि इतने तत्काल में नहीं होगा, तो संस्था ने और टीएमसी ने मिलके ये काम किया था। तो इस बार मुझे लगता है कि उसके पहला ही ये स्टेप जो बनना है उस पर हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। लेकिन फिर से गंदे लोग आके हमने किया हम करेंगे, इस बार करने की कोशिश ना करे। और इस बार आके अगर करने की कोशिश करे तो बाबा जी यहीं है और छठी मैया इनको बिल्कुल देखेगी इस बार। मान कब तक मान लिया जाए कि काम होगा? मैं बस अभी आई हूँ, आज ही आई हूँ, आपने भी देखा, सभी को पूछो, मैं आज आई हूँ ना पहली बार यहाँ पर, तो इंशाल्लाह। लेकिन काम लिया है हाथ में तो करने के लिए लिया जाता है और खाली दिखावा के लिए नहीं किया जाता है। तो आई हूँ तो करूँगी काम और करके दिखाएंगे इस बार भी। और इस बार तो मैंने अभी से छठ पूजा की तैयारी चालू की हूँ, तो इंशाल्लाह इस बार का छठ पूजा गए टाइम से भी ज़्यादा होगा और उससे भी बड़ा होगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से रीदा रशीद सुंदरीकरण को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ था, उसके बाद से रीदा रशीद जो है मुमरा शहर से बाहर थी, लेकिन अब जो ये वापस आई उसके बाद आज तालाब पर जो है ये विज़िट की थी। इनका ऐसा कहना है कि तालाब जिस तरह से बनाया जाना चाहिए था उस तरह से बना नहीं है, और जो यहाँ की तमाम महिलाएं जो यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आती थी उनकी जो मांग थी कि तालाब में उतरने के लिए सीढ़ी वगैरह बनाया जाए, हालांकि काफ़ी दावे इस पर किए गए कि मई जून तक बनाकर दे दिया जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। और अब रीदा रशीद का ऐसा कहना है कि महानगर पालिका से निधि की मांग की जाएगी और कुछ निधि जो है मिली भी है, तो उसको लेकर ये आगे आने वाले दिनों में इस तालाब का काम पूरा करेगी।